Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता या यूं कहें कि तानाशाह किम जोंग उन को ना जानता हो। ये अक्सर देश की मिसाइलों के परीक्षण की वजह से चर्चा में रहते हैं। वैसे तो उत्तर कोरिया को एक गुप्त देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की बातें बाहरी दुनिया में बहुत कम ही पहुँचती हैं, और उसकी वजह है किम जोंग का तानाशाही रवैया। आज हम आपको किम जोंग से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। किम जोंग उन साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बने थे। उनके दादा किम टू सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक और पहले नेता थे, जिनकी मौत साल 1994 में हुई। आज किम टू सुंग को पूरे देश में भगवान की तरह पूजा जाता है। कहते हैं उत्तर कोरिया के हर घर में किम जोंग और उनके दादा की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। किम जोंग के जन्म को लेकर भी विवाद है। दक्षिण कोरिया के रिकॉर्ड के मुताबिक किम जोंग का जन्म 8 जनवरी 1983 को हुआ। इस हिसाब से उनकी उम्र फिलहाल 37 साल है, जबकि अमरीकी रिकॉर्ड्स में उनकी उम्र 8 जनवरी 1984 बताई गई है, जिसके हिसाब से वो 36 साल के होंगे। सही उम्र क्या है ये तो खुद किम जोंग जाने या फिर उनके करीबी। कहते हैं किम जोंग उनकी शुरुआती पढ़ाई उत्तर कोरिया से नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न से अंग्रेजी माध्यम से हुई है। उस स्कूल में किम चोल पक या पक चोल के नाम से 1993 से लेकर 1998 तक थे। इसके बाद उन्होंने 1998 से 2000 के बीच बर्न में ही जर्मन लैंग्वेज स्कूल में भी पढ़ाई की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। साल 2001 में किम जोंग स्विट्जरलैंड से वापस अपने देश उत्तर कोरिया आ गए और उसके बाद राजधानी प्योंगयांग में मिलिट्री यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री यूनिवर्सिटी में वे 2002 से 2007 तक थे, लेकिन उनकी पढ़ाई हमेशा घर पर ही होती थी। आपको शायद पता ना हो, लेकिन किम जोंग युंग को मलेशिया के HELP यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। किम जोंग की तानाशाही के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कहते हैं सन 2013 में उन्होंने अपने ही फूफा जेन सेंग थाए को बेरहमी से मरवा दिया था। उसने उन्हें 120 भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया था, जो उन्हें नोच नोच कर खा गए थे। इतना ही नहीं, जब उनकी बुआ ने अपने पति की मौत पर सवाल खड़े किए तो उन्होंने उन्हें भी जहर देकर मरवा दिया। ये सनसनीखेज खुलासा साल 2015 में उत्तर कोरिया से भागे एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने किया था। यह प्रस्तुति शैलजा ध्यानी द्वारा दी गई।